नमस्कार ओम शांति कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है हर बार एक नई कविता लेते हैं आज भी एक नई कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर हुए हैं यशपाल शर्मा जी की लिखी हुई किताब में से जिसका नाम है चिराग आज हम बात करेंगे एक ऐसी कविता जिसका नाम है निर्धन और दिया उसी के साथ साथ हम बात करेंगे सुरक्षा कर्मी के बारे में वो भी एक कविता ही है मैं आपका आप मेरे मेहमान का स्वागत करेंगे यशपाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में नमस्कार शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया जी आपकी चिराग में से ली हुई ये कविता है जिसकी पंक्तियां इस प्रकार हैं निर्धन और दिया जी। निर्धन के नले में तू है मन लो से जलने वाला नन्ने से हृदय सदन में लघु आशाएं भरने वाला तू गरीबों का हित चिंतक निशा में तू मंगल वितान दो पैसे में बनता प्रहरी तू है दीन दयाल भगवान उन्हीं दो आंखों रात रात भर बिन आलस में जगने वाला घृणा है करती दुनिया जिनसे सुख दुख उनसे बांटने वाला इसकी व्याख्या क्या है निर्धन व्यक्ति जी इतनी इच्छाएं नहीं होती जी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं जी जहाँ दिया मैंने एक आशा के रूप में मैंने रखा है गरीब आदमी की बोली बहुत इच्छाओं की बहुत बड़ी कुछ जमात उसके पास नहीं होती छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं कि हमारा भरण पोषण सही हो हमें मौसम साथ छोटे मोटे कपड़े मिल जाएं, बिस्तर के लिए कोई नरम रेशम का लिहाफ और तलाई नहीं चाहिए जैसे चलता है छोटा मोटा चलो वो हो जाए और निर्धन व्यक्ति को कौन पसंद करता है निर्धन व्यक्ति को निर्धन ही पसंद करता है या निर्धन व्यक्ति को वो पसंद करता है जिसमें मान भी है मुझे कहानी याद आ गई भगवान कृष्ण और सुदामा की, की सहपाठी उन्हें के नाते कृष्ण द्वारका का राजा बना और जो सुदामा था वो बेचारा गरीब बना ब रहा तो उसकी जब उसे और उसकी पत्नी को पता चला कि कृष्ण इस समय द्वारका का द्वारकाधीश है जी। तो उसकी पत्नी रोज ही उसको लामना देती कि तुम हो कहते हो कि मेरा सहपाठी है मेरा दोस्त है मेरा मित्र है संदीपन संदीपनी गुरु के तुम दोनों चेले हो एक जगह शिक्षा पाई है इकट्ठे सोए हो इकट्ठे सारे काम किए हैं पढ़े लिखे हो तो अपने उस मित्र के पास जाइए हमारी तो बहुत कमजोर है टूटा हुआ मकान है हमारी स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है आर्थिक रूप में तो आप जाइए सुदामा इस विश्वास के साथ कि मैं मित्र से क्या मांगूंगा क्या कहूंगा और फिर वो राजा है मुझे पहचाने या ना पहचाने कौन जानता है जी। और अगर मुझे पहचान भी लिया तो मैं उसे क्या कहूँगा कि मैं गरीब हो गया हूँ कभी हम दोनों इकट्ठे खेल खेलते थे पढ़ते थे आपस में कभी उलझ भी जाते थे जैसे बाल रूप में आप बच्चे उलझ जाते हैं चाहे जा गरीब का बच्चा हो अमीर को हो अमीर का हो तो वो झिझकता है आखिर उसकी पत्नी जब रोज ही ताने देती है तो वो बाहर चले जाते हैं द्वारपाल उसका हाल देखते हैं कि जो फटा हुआ उसके पैरों में इतने कांटे हैं फटे हुए पैर हैं कांटे लगे हैं तो फटी हुई धोती है फटा हुआ कुर्ता है तो इतना लंबा सफ़र तय करके जब वहाँ पे वो द्वारकापुरी पहुँचता है जी। तो जो वहाँ पे द्वारपाल हैं उन्हें कहता है कि मैंने कि अपने मैं द्वारकाधीश को मिलना है कहना चल चल है द्वारकाधीश को मिलना है शक्ल देखी कभी आपने जी वो फिर क्या है कि मैंने हार कर उसने कहा वो वो मेरे मित्र हैं जी है देखो मित्र की शक्ल देखो वो राजा ये पता नहीं कहाँ से मंगता आ गया बड़ा गिड़गड़ाया हार करके एक बूढ़ा जो द्वारपाल था उसने कहा यार उसको संदेशा दे ही दो हमें हमें क्या तकलीफ है वो उसकी द्वारकाधीश की मर्जी है उसे बुलाए या ना बुलाए हमें क्या मतलब इससे चलो उसने संदेशा दिया जैसे ही संदेशा कृष्ण को मिला कि सुदामा नाम का व्यक्ति आपके द्वार पे खड़ा है तो कृष्ण ने शारद उसमें नंगे पाँव भागता हुआ वो हाँपता हुआ चला रहा है कहाँ है सुदामा कहाँ है सुदामा 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 सुदामा, सुदामा. अपने मित्र के स्नेह में जैसे कभी उधर आश्रम में गुरु के आश्रम में कभी वो ऐसा करते थे मिलते थे वैसा रहा है जैसे सुधा मग देते वह में बन लेते हैं जी तो अगर हम गरीब की बात करते हैं जिन लोगों में मानवता शेष है आज वो अमीर हैं और मित्र गरीब है सहपाठी गरीब है मानवता कभी अपनी मित्रता को नहीं भूलती भगवान कृष्ण कहाँ द्वारका देश और कहा सुदामा ये मित्रता अपने आप में एक बेजोड़ है जिसकी उदाहरण संसार में दी जाती है कि कहा सुदामा बापरो कृष्ण बताई जो उसके योग्य नहीं था जी। ये मित्र ने उसके जो मित्र जो सहपाठी का प्रेम था वो अपने हृदय में बसा के रखा था कि मेरा वो दोस्त आया है सहपाठी आया है और आज के युग में कौन किसी को पूछता है कोई किसी को नहीं पूछता जी। हमारे पुराने जो सहपाठी हैं नौवीं के दसवीं के टीचर ट्रेन के वो जब कभी हमें मिलते हैं तो बाहें फैला के मिलते हैं गले मिलते हैं ऐसा मिलते हैं कि कई मिनट तक वो अपनी बाहों में रखते हैं यार पता नहीं कब तो मर जाए आज एक दूसरे का मोखड़ा चालीस साल बाद देखा पचास साल बाद देखा है कल मिले ना मिले या राय दोपहर बैठ करके कुछ चाय पानी हो जाए यार पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले सो ये मित्रता की बात है ये गरीब की बात है गरीब की आशा थोड़ी है और गरीब कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता उसकी आशा क्या छोटी सी आशा लोगों ने बड़े बड़े महल उस सारे हैं गरीब का जो दीवा है वही उसकी आस है वो उसका साथी है जी ना उसके बड़े बड़े महल साथी हैं ना बड़े बड़े बल्ब साथी हैं उसका छोटा दीवा थोड़े से तेल से जलने वाला है वही उसकी आशा है उसी आशा में वो अपने सपने बुनता है जी। उसी आशा में कल को कल के लिए वो जीता है निर्धन का जो दिया है वो उसका साथ देता है कि मैं तुम्हारा साथी बहुत अच्छा आपने निर्धन और दिया के बारे में बात की आगे आपकी कविता है सुरक्षा कर्मी जी बिजली चमक रही हो नब में या पानी बरसे मुसलाधार हस्ती झेलता सुख सागर कर्तव्य धर्म का बन अवतार चहू दिशा में अड़े खड़े हैं सिंह शावक सीमा प्रहारी बर्फीले तूफानों जूझता दे जलवे जेठ दोपहरी दुर्गम शिखर पर्वतों पर बहता हो बर्फीला तूफान आंधी ओले भूकंप से चाहे धरा बने शमशान धर धर पर्वत कांप रहे हो शोले बरसावे आसमान लोहे की तू बन दीवार खड़ा है सैनिक सीनातान, तान सन बासठ में बैरी चीन ने धावा पतन पे बोला था आजादी के दीप बुझाने तोपों का मुंह खोला था प्राण हथेली रख कर के बिल लड़े युद्ध मैदान चिराग बचाया आजादी का दे आहुतियां सैनिक प्राण सुरक्षा कर्मी के बारे में आप क्या कहेंगे सुरक्षा कर्मचारी वो देवता है जी, जिसे हर भारतवासी को नमन करना चाहिए जी, हमारी आजादी सुरक्षा कर्मियों के हाथों में है, सैनिकों पुराने जमाने में महाराज मनु ने चार भागों में जिंदगी को बांटा था पहला ब्राह्मण जो शिक्षा देता था और उस समय गुरुकुल होते थे आश्रम होते थे दूसरा था क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य था कि उस राज्य की सीमाओं की रक्षा करना दुश्मन से चाहे छोटी छोटी रियासतें थीं या छोटे छोटे उस समय लोगों के राज थे तो उसकी सुरक्षा कौन करता था क्षत्रिय करता था क्षत्रिय वो है जिसका धर्म है लड़ना देश की सीमाओं की रक्षा करना और अशोक चक्र को जब हम देखते हैं तो उसमें चार शेर दिखाए गए हैं चार सिंह दिखाए गए जो देखने में तीन लगते हैं किंतु तो उसके पीछे भी है उसको वो इसलिए हमने अपने संविधान में उसको रखा राष्ट्रीय चिन्ह कि हमारी जो सीमाएं चारों तरफ से शेरों जैसे हमारे सुरक्षाकर्मी वहाँ पे खड़े हैं सैनिक खड़े हैं कोई इधर ना देखे जैसे शेर के सामने आने वाला बच के नहीं जा सकता जी। वैसे ही हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, सेनानी हैं, सेनापति हैं, उनका एक ही धर्म है कि सीमाओं की रक्षा करना। जी। मैं कारगल के युद्ध की बात करता हूँ आप बड़े दुर्गम शिखरों पर कारगल का युद्ध हुआ पाकिस्तान ने अपनी नीति के अनुसार जैसा कि उग्रवाद का हुआ पोषक है जी। इस्लाम उसका बेस है और कट्टरता उसका एक धर्म है फैलाना उसका स्वभाव है एक राष्ट्रीय नीति है और भारत को बर्बाद देखना उसका एक लक्ष्य है उसने कारगल में उस समय जनरल मुशर्रफ भाग का सेनापति था और महाराज शरीफ नवाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ नवाज शरीफ बाद में शरीफ बनता फिरता था जी मुझे नहीं पता इसने कब वहाँ क्या किया सेना को क्या हुक्म दिया ये कैसे हो सकता है शाम की जितनी भी गुप्तचर पोर्ट है पूरे मुल्क की वो सारी राष्ट्रपति के जाते जाती है एक ब्रीफ रूप में और प्रधानमंत्री के पास जाती है वो देखते कहाँ क्या हो रहा है तो कारगर में जो उसने अपने आतंकवादी अपने सेनापाती बिठाए थे कि ये हिस्सा जो है हमने भारत से छीनना है वहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती थी भारत भी अपने सैनिकों को पीछे कर लेता था, था वो भी कर लेता था, था जैसे मौसम गर्मी के आता अपनी अपनी सेनाएं थोड़ा उस जगह पर आ जाती तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे तो पीछे होता क्या आया है कि पाकिस्तान ने भाग हमारा हमारा छीन लिया कब्जा कर लिया हाँ चुप बैठे हैं कि हमारा युद्ध ना हो कस्में हम किसकी खाते हैं हिंदुस्तान की प्रभु सत्ता की है। जी। उसके उसके जितने भाग हैं अटूट भारत के अखंड भारत के हम कस्में खाते हैं और करते क्या है कि दुश्मन हमारा इलाका छीन रहा है और हम चुपचाप वहां पे बैठे देखते रहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को पढ़ता जी हमारे सैनिक जो थे उनके पाकिस्तान के सैनिकों की चोटियों पे बैठे हुए हैं हमारे सैनिक रेंगते हुए क्रविंग करते हुए वहाँ पे पहुंचे और कुछ महीनों के बाद एक एक को लताड़ करके बाहर किया मौत के काट उतारा कितने सैनिक मरे कुछ नहीं कह सकता है जी। जिस सुरक्षा कर्मचारियों का से जो सेनानियों का उनके नेतृत्व का कमाल था उन्होंने वो इलाका दोबारा उनसे कवर किया छीना और उनको मार करके भगाया तो ये सेनानी है जिससे हमारा आजादी का दीप सुरक्षित है जो हमारे दुश्मन हैं इस समय हम उन दुश्मन इस रूप में कहते हैं कि उनकी हर नीति हर चाल हर लक्ष्य बात को बर्बाद करने का है उनमें एक चीन भी है और एक पाकिस्तान है हाँ यहाँ पर आपने एक चीन की बात की हाँ सन बासठ में बैरी चीन ने धावा पतन पे बोला था आजादी हाँ। का दीप बुझाने मुंह खोला था मैंने एक एपिसोड में कहा था कि पंचशील भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया जी उसमें पांच बातें थी उनमें एक बात थी पांच सिद्धांतों में ये था पहला कि हम पंचशील वो है कि जो पांच नियमों का पालन करने वाला जो दस्तावेज है कि कोई मुल्क दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा और इसे बहुत से देशों ने अपनाया किंतु सबसे पहला पंचशील के ऊपर सिद्धांत के ऊपर घोषणा पत्र के ऊपर जो दस्तखत करने वाला था वो चाहे चीन था जो हमारा सबसे बड़ा उस समय मित्र था एक विश्वास की बात है यकीन की बात है भरोसे की बात है जी हमारे घरों में भरोसा हो सहयोग हो तो परिवार चलता है और देश के नेताओं के ऊपर विश्वास होता है तो लोग उन्हें चिंते हैं एमपी पी या एम और जो दूसरे देश हैं उनके साथ हमारी विदेश नीति इस ढंग से चलती है कि जे इनको हम मित्र बनाना है हमारा व्यापार बढ़े विश्वास बढ़े हमें दूसरे कभी विपत्ति आती है का सहयोग करें वो हमारा विश्वास चाइना ने उन्नीस की लड़ाई में तोड़ा एक चीज और भारत देश ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया है जी। और जिसने जब किया है उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है ईंट का जवाब पत्थर से दिया है जी। तो उस समय हमारी इतनी तैयारी नहीं थी सन बासठ में नए नए देश आजाद हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री सेनापति सारे इस आ, एक एक आ, एक भरोसे में थे एक विश्वास में थे कि ना तो हमारे ऊपर चाइना हमला कर सकता है जी, करेगा जी, और ना पाकिस्तान करेगा और चीन जो है ये बहुत बड़ा मुल्क है ये हमारा दोस्त होगा तो किसी की ऐसी मजाल नहीं कि जो हमारी आंख आंख उठाकर के हमारे देश की ओर देखे हमारी सीमाओं को वो फाड़ करके आगे आएगा ये एक बहुत नेहरू जी के भी में दिमाग में विश्वास था नारे लगते थे हिंदी चीनी भाई भाई उसी चीनी भाई ने हिंदुस्तान के पीठ में पीठ में एक शुरा गुम और बहुत सारा का हमारा उसने छीना जो आजकल भी उसके कब्जे में है सीमाओं का जो मसला है इसको हल करने के लिए पता नहीं बाईस मीटिंगें हो चुकी हैं किंतु अभी तक वो वो हमारा इलाका देने को तैयार नहीं जी है जी है हमारा मित्र देश चाणक्य की नीति क्या है कि एक देश का जो नेता है प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति है जिसके हाथ में पूरी बागडो है देश की वो कैसे चले वो कहता उसके जितने मंत्री हैं वो सबका विश्वास जीते और अंदर से किसी का भी विश्वास न करे तो वो ही राजा कामयाब है एक 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 काम ऊपर नजर करें किंतु एक एक मंत्री सा, मंत्री ये कहे कि जितना विश्वास जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे ऊपर करता है तो किसी के ऊपर नहीं करता तो वहां धोखा खाया और चीन ने हमारे ऊपर हमला किया और बहुत सा इलाका अभी भी हमारा उसके उसके कब्जे में है आगे और क्या कहना चाहती हैं आप जी है। मार भगाज चतुर्थ से हाँ। लो काम, ना बचने पाए देश का दुश्मन आज बचा लो भारत आन उस समय जबकि हमारे पास इतना सामान नहीं था तो जो हमारे सैनिक उस समय बॉर्डर पे खड़े थे चाइना के बॉर्डर पे खड़े थे उनके पास ना इतना आराशन था ना ना हथियार थे ना तैयारी थी तो उस समय हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए जो वहां पे जख्मी हुए उनमें बहुत से मर गए जो मरे थे वो तो मरे ही थे उस चीज़ ने हिंदुस्तान को खड़ा किया चेतन किया कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमें हमें असला बाहर से लाना होगा सैनिकों की जो जरूरतें हैं बेसिक जरूरतें हैं पहाड़ों में या मैदानों में उनको वैसे हथियार देने होंगे वैसे उनको कपड़े देने होंगे उनके लिए खाने पीने की बढ़िया एक व्यवस्था करनी होगी और उसकी देखा देखी में पाकिस्तान ने उन्नीस में हमारे देश के ऊपर हमला किया और उसे कैसे जवाब मिला उसे वो जवाब मिला आगे कौन था लाल बहादुर शास्त्री <laughs> कहते थे कि ये छोटा सा आदमी क्या कर सकता है ये दूसरी वाला आदमी क्या क्या कर कर सकता है <laughs> किंतु उस दिखा दिया कि जित वो छोटे नहीं हैं वो नीति में गुणों में नेतागिरी में वो कहीं से कहीं है पाकिस्तान को शिकस्त हुई हमला पहला पाकिस्तान ने किया था और वो कुछ दिनों के बाद ही उसके पैर लड़खड़ाने रहे हार करके जो दूसरा उसका उस समय पाकिस्तान जो अमेरिका था उसके पक्ष में था उसने भारत को दबाया और उसमें मित्र देश हमारा कौन था रशिया हमारा मित्र देश था रशिया आज तक भी हमारा मित्र देश है उसके उसके दिल में उसकी नीति में भारत के प्रति कोई ना कोई क्षार है ना कोई कपट है वो सीधा कहता है कि के हक में भी बयान देता है अभी तीन सौ सत्रह हटी तो बाकी कुछ जो देश थे किसी ने हमायत की कोई चुप रहे किसी ने दबी जबान में समर्थन किया रशिया ने कहा कि नहीं तीन सौ सत्तर का जो मसला है ये भारत और पाकिस्तान का है भारत अपने इलाके में जो भी करता है जो उसका हक है पाकिस्तान को इसमें रोने की आज रोने की जरूरत नहीं है ना किसी देश को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है उसके बाद की बात आती है तो सनकतर में जो हुआ वो तो हुआ सनकतर में भी वो हमसे हारा इच्छोगढ़ नहर तक जो लाहौर के साथ बहती है उसके पारले कि जो परे वाला किनारा था पश्चिमी किनारा था वहाँ तक गई थी और हमारे नेता जो थे उन्होंने वो जीता हुआ इलाका भी उसे दे दिया तिरानवे हजार कैदी भी दे दिए और कोई हरजाना लिया कोई कुछ नहीं किया वहीं से पाकिस्तान ने हमें बर्बाद करने का एक प्लान बनाया जिसका प्लान का नाम था टोपाक तो टोपाक तो यंत्र योजना का नाम था और उग्रवाद को फैलाया उसने हमारे सुरक्षाकर्मियों ने जितने जितने हमले होते रहे उनका बचाव किया देश का बचाव किया अपनी जानों को बाल दिया बलिदान किया एक सैनिक अपने कर्तव्य के ऊपर खड़ा है जी। जब वो सैनिक बनते हैं तो गीता की कसम देते हैं तो गीता में भगवान ने क्या कहा है कि अर्जुन या तो तू युद्ध में जीतेगा और जीत करके तू तो स्वर्ग को प्राप्त होगा अगर तू ऐसा नहीं करता तो ये सब लोग तुझे हरा हुआ मानेंगे तो ये तुझे, तुझे मैदान से भगौड़ा मानेंगे और जो तुम्हारी अपकीर्ति होगी जैसे होगा अपमान होगा उससे अगर किसी बड़े आदमी की अपकीर्ति होती है उसका लोग आ, उसे कहते हैं कि ये डरपोक है तो उस आदमी के उससे बड़ी कोई हानि नहीं हम कह सकते कोई मैदान छोड़ करके भाग गया उसे कार लोग मानेंगे तो युद्ध के लिए खड़ा हो और जो धर्म युद्ध करता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं तो हमारे सैनिक अपने बच्चों का बुजुर्गों का अपनी पत्नी का रिश्तेदारों का यारों दोस्तों का मोह छोड़ करके अपने प्राण हथेली पर रख करके लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जिसे हम शहीद बोलते हैं आगे आपने क्या कहना है जी जरूर एक सिपाही ने कई मारे धूम मचाई बी संग्राम बन पलय आदि लड़ा प्रहारी तभी थी भारत की शान मैं पहले जिक्र कर रहा था जी। कि देश के जो प्रहरी है बर्फ पड़ रही है वो सीमाओं के ऊपर गश्त कर रहे हमारे सुरक्षा में कर्मचारी गश्त कर रहे हैं। जो तार बंदी पाकिस्तान की तरफ लगाई गई है उधर वो लोग हैं जो गश्त लगा रहे हैं किधर हम गश्त लगा रहे हैं उस समय तूफान तो है आंधी है सर्दी है गर्मी है बारिश है बर्फ़ पड़ रही है। उसमें सुरक्षा कर्मचारी अपने कर्तव्य के कर्तव्य का जो उसका एक धर्म है वो उसे निभा रहा है हम जाई में सोए हैं हमें वहीं भी ठंड लग रही है क्या उसे ठंड ही लगती है उसे भी ठंड लगती है हम अपने बच्चों का अपनी छाती से लगा के सोए हैं क्या उन्हें अपने बच्चों की याद, याद नहीं आती एक बीबी उसका बच्चा बीमार है सुरक्षा कर्मचारी की वो बैठी सोच रही है काश इससे मेरा पति होता तो बेटे को लेकर के कोई को अच्छे से डॉक्टर को दिखाता क्या वो, क्या उस बच्चे का ये हक नहीं है कि उस समय उसका बाप वहाँ उसके पास हो जब बीबी जो इस समय लाचारी में सोच रही है अपनी बीमारी में बच्चे की बीमारी में जब कोई होलचारी में क्या उसका हक नहीं है कि उसका पति उसके पास हो क्या उसके उ, उसका उ, उसमें दिल नहीं है उसकी भावनाएं हैं उसमें वेदनाएं हैं संवेदनाएं हैं तो वो सब वेदनाओं संवेदनाओं को अपने फर्ज के फर्ज को देखते हुए उन वेदनाओं संवेदनाओं को परे करता है और एक राष्ट्र प्रेम के साथ, साथ एक राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ एक अपनी सुरक्षा जो उसका धर्म है उसको निभाते हुए सब को है सब नातों को परे कर देते हैं इससे बड़ा को त्यागी नहीं हो सकता बैरागी नहीं हो सकता कोई धार्मिक आदमी नहीं हो सकता देश प्रेम और जो उसे कर्तव्य मिला है कर्तव्य को निभाने वाले सबको छत छत पार में नमन करता हूँ और सुरक्षा कर्मी अगर आज आजादी का दीप कहीं सुरक्षित है तो सुरक्षा कर्मचारियों के हाथों से सुरक्षित है किसी एक दिन अगर सुरक्षा कर्मचारियों को बिठा दिया जाए तो इतने दुश्मन हमारे देश के चढ़ करके चले आएंगे और आजादी का दीप बजा देंगे ये वो परवाने हैं जो देश की आजादी का जो दीपक है उसकी क्षमा है आजादी की उसे बचाने के लिए खुद उस पर कुर्बान हो जाते हैं जी, तो आप सुरक्षा कर्मी के बारे में मित्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैं उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि सुरक्षा कर्मचारी हमारी आजादी को हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने वाले वो देवता हैं जो सर्दी और गर्मी में हमारी खातर सीमाओं के ऊपर डटे हुए हैं अपने प्राणों की अवधि दे रहे हैं अपने रिश्तों को अपने बच्चों की ममता को परे हटा करके अपने फर्ज को पूरा कर रहे हैं जैसे उनमें एक राष्ट्रीयता की भावना है वैसे ही हर नागरिक में हर बच्चे में वो भावना होनी चाहिए और जो उनके कष्ट हैं जो उनकी कमियां हैं वो सारी सरकार को दे करके उनके संबंध में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रियायतें देनी चाहिए को प्राण बलिदान करना कोई इतना आसान नहीं है और एक राष्ट्रीयता को राष्ट्र प्रेम को सरवी को रख करके मैं कहता हूँ कि हर कॉलेज में हर स्कूल में उनको जैसे दूसरे देश इसराइल जैसे देश ने एक उनको ट्रेनिंग दी थी एक अपनी हथियार चलाने की आ, किसी समय भी दुश्मन का हमला करते हुए कि हर सैनिक हर नागरिक जो है वो एक सैनिक रूप में होना चाहिए उन्हें भी जे आजकल एनसीसी तो है किंतु एक 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 दायरे में है ना इसका विस्तार होना चाहिए इसका विस्तार हो हर लड़की और लड़के को हर हर जो शिक्षक -शिक है उसे भी उसे भी ये ट्रेनिंग देनी चाहिए वो अपने देश के लिए सबको हथियार चलाने आना चाहिए उसकी रक्षा करना का ढंग जी यशपाल शर्मा जी आपने सुरक्षा अगली कड़ी में इस कविता को हम पूरा करेंगे लेकिन अभी हमारा समय समाप्ति की ओर जा रहा है आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरक्षाकर्मी की इस कविता के साथ हम अगली कड़ी में फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति ओम शांति नमस्कार